गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। और अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और मैं ड्यूटी पे आ चुका हूँ। तो अभी यहाँ से जाएंगे लायंस रोड, वहाँ मीटिंग है बॉस का। उसके बाद कहाँ कहाँ जाते हैं वो मैं आपको दिन भर दिखाता हूँ। ओके, तो चलते हैं फिर आज की तैयारी करने के लिए। हमारे दीपक भाई ये भी आ गए हैं ड्यूटी पे। गुड मॉर्निंग बोल दो। गुड मॉर्निंग सर। दोस्तों अभी मैं लॉरेंस रोड आ गया हूँ बॉस को लेके। तो आगे वीडियो शूट इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास बॉस का अचानक ही फ़ोन आया कि जल्दी से ड्यूटी आ जाओ और हमें लॉरेंस रोड के लिए जाना है। मुझे याद नहीं था कि मेरा मीटिंग है। तो लॉरेंस रोड पहुँच गया इसलिए रास्ते में शूट नहीं कर पाया। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पर आए हैं। ये न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का ऑफिस है जहाँ पर इनका मीटिंग है। तो मैं आपको दिखाता हूँ वो ऑफिस। चलते हैं फिर ऑफिस के अंदर, थोड़ा चाय पानी पियेंगे वहाँ पे। दोस्तों ये वो बिल्डिंग है जहाँ पे ऑफिस है और इधर जो है कि पुलिस थाना है और एनसीडी का भी ऑफिस है। ये केशवपुरम जोन में आता है, इसे लॉरेंस रोड भी बोलते हैं और ये केशवपुरम है। इस बिल्डिंग का नाम है आरजे स्टोन, आरजे सिटी सेंटर करके इस बिल्डिंग का नाम है। और यहीं पर जो है कि आज मीटिंग है बॉस का। और अभी यहाँ पे ना लाइन से ठेके हुआ करते थे, देख रहे हैं अभी बंद है ये सारा कुछ। यहाँ लाइन से ठेका हुआ करता था और सरकारी ठेका खुल गया अब तो, इसलिए बंद हो गया है। तो देखिए चलते हैं, हम बिल्डिंग के अंदर आ गए हैं हम लोग। तो अभी चलते हैं लिफ्ट के अंदर, ठीक है, उसके बाद जाएंगे थर्ड फ्लोर पे। दोस्तों जितने जिनके नाम से ये पार्क है, पार्क का नाम है हथौड़ा राम, ये यहीं पास में ही है। और उनकी एक प्रतिमा भी यहाँ बनी हुई है, लेकिन ये थे कौन मुझे भी नहीं पता है, मैं पता करूँगा अभी। दोस्तों अभी मैंने एक अंकल से पूछा है कि इस पार्क का नाम हथौड़ा राम पार्क क्यों पड़ा। तो उन्होंने बताया कि वो यहाँ के मजदूर थे जो काम करते हुए उनकी डेथ हो गई थी, तो इसीलिए उनकी यहाँ पे प्रतिमा बनाई गई है और इस पार्क का नाम हथौड़ा राम रखा गया है। तो आप इस पार्क को देख लीजिए, बनाया तो बहुत ही अच्छा है। दोस्तों मुझे भूख लग गया आप, तो मेरे को बैठे बैठे जा रहा हूँ खाना खाने। और खाना खाने जब मैं जा रहा था तो मुझे रास्ते में ये मंदिर दिख गया, तो मैंने सोचा इनके दर्शन कर लूँ। पहले इसके दर्शन करते हैं फिर जाएंगे खाना खाने। आज का मेरा खाना यही है, दाल चावल और आलू की सब्ज़ी। 20 रुपये का प्लेट मिलता है इसलिए मैं ये खा रहा हूँ, मुझे ये बहुत पसंद है। तो दोस्तों बॉस का कॉल आ गया है और मैं अब निकल रहा हूँ। और टाइम हो रहा है अभी 2 बज रहे हैं, 2 बजे यहाँ से निकले हैं और यहाँ से अभी जाना है कीर्ति नगर, ठीक है। तो चलते हैं फिर। तो इसी में आया हूँ मैं और अभी चाय नाश्ता किया है उधर, ठीक है। और देखते हैं यहाँ से कब तक निकलते हैं, अंदर का दिखाता हूँ मैं आपको जाके। अब ये गैलेक्सी टोटा है, ये है गैलेक्सी टोटा, यहाँ पे एक्सीडेंट गाड़ियाँ ठीक होती है, ठीक है।
और ये खड़ी अपनी इनोवा जो मैं चलाता हूँ। आपको दिखाता हूँ गाड़ियाँ कैसे कैसे एक्सीडेंट होती है यहाँ पे, ये देख लो। तो दोस्तों अभी बदरपुर पहुंच चुके हैं आली गांव से निकल के, अब फरीदाबाद का जो फ्लाईओवर स्टार्ट होता है अभी उसको लेने वाले हैं, तो फिर चलते हैं फिर फरीदाबाद के लिए। तो दोस्तों आ गए हैं अपने डेस्टिनेशन पे और पहुंच गया है यहाँ पे, और अभी टाइम हो रहा है 5:30। तो आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं और कल देखेंगे फिर कल का क्या दिन रहता है और कैसा रहता है, कहाँ कहाँ जाते हैं। और अभी आने में तो ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा मिला था, वहाँ से निकले थे हम 4 बजे और 1.5 घंटे लग गए हमें यहाँ पहुँचने में। तो ठीक है, आप सब अपना ध्यान रखें और गाड़ी अच्छे से चलाएं, धीरे चलाएं, लाइन चेंज ना करें, लाइन में रहें, और मेरा ब्लॉग को शेयर, कमेंट्स, लाइक ज़रूर दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू।